भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सदर सांसद रवि किशन ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी, जिसके संबंध में सदर सांसद रवि किशन ने बताया कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जो नया भारत बनाने का सपना देखा था, अब वह प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में साकार हो रहा है तथा वह हम सब के प्रेरणा स्रोत हैं तथा प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर भारत की एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि अटल जी के विचारधारा की पूरी दुनिया कायल है, उनकी लोकप्रिय शैली को आज भी अनुसरण किया जाता है तथा उन्होंने जिस कमल के फूल को रोपा व सींचा था, आज उस पार्टी का सांसद बन के गौरव महसूस कर रहा हूँ। इस अवसर पर क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, भानु मिश्रा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा, अटल जी की जयंती है, बस यही कहूंगा कि आज ये भारत, ये नया भारत का सपना उन्होंने देखा था, यशस्वी प्रधानमंत्री उन्हीं के रास्ते चल रहे हैं। उन्होंने एक ऐसी लौ जगाई जो पूरे विश्व में उसकी बात हुई, वो सनातन धर्म था, एक भारत था, राष्ट्र भारत था, अखंड भारत था, उसको नया भारत का रूप स्वरूप दिया। तो मैं पूरा धन्यवाद उनको देना चाहता हूँ, यशस्वी हमारे अटल जी को, और आज प्रधानमंत्री जी उसी पद चिन्हों पर चल रहे हैं। हम लोगों के गौरव थे, हम लोगों के नेता थे, आज उनके उनकी सोच, उनके विचार कि कैसे अपोजिशन को भी सम्मान से लेके चलते थे, उनके बात विचार, उनकी बोली, उनकी शैली सीखने जैसी थी। पार्लियामेंट में बोलते थे, कभी किसी को हंसी मजाक में ही अपनी कविताओं में बड़ी बड़ी बातें कर जाते थे। एक उनके अंदर एक ज्वलित इंसान भी था अंदर, लेकिन उसको सौम्य चेहरे के साथ वो बोलते थे। वो उसमें पाकिस्तान के लिए भी एक डर रहता था, चाइना के लिए भी डर रहता था, और नए भारत को एक विश्व गुरु बनाने का भी सपना था, जिसको आज पूरा राम राज्य का सपना उन्होंने देखा था, राम मंदिर का सपना उन्होंने देखा था। आज उनकी जयंती पे मैं नमन करता हूँ, और मैं सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस करता हूँ कि मैं उसी कमल चिन्ह को जिसको उन्होंने खिलाया था, जिसको उन्होंने पालन पोषण किया, जिस कमल का, जिस चिन्ह का, निशान का, आज मैं उसी के छत के नीचे मैं एक सांसद के कार्यकर्ता के रूप में आज देश की और अपने गोरखपुर की सेवा कर रहा हूँ।